और रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का। बीजेपी के कोर वोट बैंक पर अखिलेश की नजर है और बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है उस पर नजर है। अखिलेश के संपर्क में कई बड़े वैश्य समाज के नेता भी हैं। बीजेपी के कई मंत्री विधायक से अखिलेश संपर्क साधे हुए हैं। बीजेपी के कोर वोट बैंक पर इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की नजर है और अखिलेश के संपर्क में कई बड़े वैश्य समाज के नेता भी इस वक्त संपर्क में बने हुए हैं। तो सवाल यही कि अभी तक दो मंत्री चार विधायकों के इस्तीफे, क्या ऐसे ही आगे और इस्तीफे होने की संभावनाएं भी हैं? जो लोग अभी बीजेपी के नेता समाजवादी पार्टी के नेता के संपर्क में हैं, क्या वो वापस समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करेंगे, बीजेपी छोड़ेंगे? बीजेपी के कोर बैंक वोट बैंक पर अखिलेश यादव की इस वक्त नजर है और अखिलेश के संपर्क में कई बड़े वैश्य समाज के नेता भी हैं। और साथ ही साथ जानकारी यहां यह भी मिल रही है कि बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है अब कहीं ना कहीं उसको उस पर सेंध लगाने के लिए अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। अखिलेश के संपर्क में कई बड़े वैश्य समाज के नेता हैं, बीजेपी के कई मंत्री विधायक से अखिलेश संपर्क में हैं और क्या वाकई में वो जो संपर्क में नेता बताए जा रहे हैं, जो विधायक बताए जा रहे हैं, क्या वो वापस बीजेपी छोड़ करके क्या वो दूसरी तरफ रास्ता बनाएंगे, क्या वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाना पसंद करेंगे? हालांकि ये फिलहाल चर्चाएं हैं और अखिलेश के संपर्क में कई बड़े वैश्य समाज के नेता हैं, ये इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है। बीजेपी के कई मंत्री विधायक से अखिलेश संपर्क में हैं और बीजेपी के कोर वोट बैंक पर अखिलेश की इस वक्त नजर बनी हुई है, क्योंकि अगर बीजेपी को हराना है और बीजेपी को अगर पीछे छोड़ना है तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है उस पर सेंध लगाने की जरूरत है और यही कुछ इसी स्ट्रैटेजी पर अखिलेश यादव चल रहे हैं। तो अखिलेश के संपर्क में कई बड़े वैश्य समाज के नेता हैं, कई मंत्री हैं, कई विधायक हैं जो कि अखिलेश के संपर्क में हैं और इससे पहले भी अक्सर बयानों के जरिए आप समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से इस बात पर इशारा भी किया गया है कि बीजेपी के कई नेता उनके संपर्क में भी हैं। तो कई मंत्री, कई विधायक वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के संपर्क में हैं और ऐसे में कोर वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी की नजर है। चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, जरा सबसे पहले, क्योंकि बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है उस पर अब समाजवादी पार्टी के मुखिया की नजर आ चुकी है, मंत्री हो, विधायक हो, इन सभी के संपर्क में हैं। इससे पहले दो मंत्री और चार विधायकों के इस्तीफे भी हो चुके हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इस समय लगातार अखिलेश यादव और उनके जो कोर ग्रुप के नेता हैं वो अलग अलग जातियों के लोगों के बड़े नेताओं के साथ संपर्क में हैं और उसमें वैश्य समाज भी शामिल है। अखिलेश यादव को लगता है कि आने वाला जो समय है उसमें जब तक आप सबको जोड़ के नहीं चलेंगे तब तक चुनाव नहीं जीत पाएंगे। कहा जाता है कि वैश्य समाज का जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक है। ऐसे में उनकी नजर है कि कैसे उनको अपनी तरफ किया जा सके और ऐसे में ही ऐसे नेताओं पर नजर है जो उस जिनका जनाधार है, जो लोग अपने अपने जिले में प्रभावी हैं और ऐसे विधायकों पर भी नजर है जो भाजपा से नाराज हैं। तो अब ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि आखिर आगे अब जो है ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि दोनों दल एक दूसरे के लोगों को अपने साथ करना चाहते हैं और हर हाल में चुनाव में जीत हासिल करना चाहते हैं। लेकिन अरविंद जी, बड़ा सवाल तो ये भी है क्योंकि जिस इलाकों में जो प्रभावशाली नेता है बीजेपी के, अगर वो समाजवादी पार्टी में आते हैं तो जो समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं जो टिकट की लालसा में हैं और उनको लगेगा कि कोई पैराशूट कैंडिडेट उनकी पार्टी में आ रहा है तो वो भी भगदड़ वहां पर भी मचेगी। निश्चित रूप से मैं यही कह रहा हूं कि कल अखिलेश यादव जरूर इस बात को कह रहे थे कि हम अपने लोगों को जो है तवज्जो देंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर दूसरे लोग आते हैं, क्योंकि सवाल है बनिया है, कायस है, ये जो है बड़ा कोर वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का और उसमें हर हाल में अखिलेश यादव सेन लगाना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक चुनौती है, एक इम्तहान है कि कैसे जो है वो अपने लोगों को अपनी विचारधारा से, अपनी रणनीति से रोक पाने में कामयाब होते हैं, क्योंकि सवाल है ये युद्ध क्षेत्र है और ये चुनाव का युद्ध है। इस युद्ध में आप देख रहे हैं कि हर हाल में पार्टियां विजय हासिल करना चाहती हैं और ऐसे में ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे वो एक दूसरे को दूसरे दलों में जाने ना दें और अपने लोगों को बचा के रखें।
बिल्कुल, इसमें ये स्ट्रैटेजी पर काम करने की जरूरत है, लेकिन इसमें आपको क्या नजर आता है अरविंद सर, कि बीजेपी आखिर जो अभी तक सिलसिलेवार तरीके से इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है उसको रोकने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए अब क्या करने की प्लानिंग हो सकती है, क्या किया जा सकता है? अब अपने जो नेता है विधायक, सबसे दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि लोगों में ये संदेश जाए कि जो हमारे लोग हैं उनको परेशान या घबराने की आवश्यकता नहीं है, उनके टिकट नहीं कटेंगे। दूसरा क्या है, उनको विश्वास में लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर 5 साल कोई व्यक्ति पार्टी में रहा है तो उसकी पार्टी के साथ आस्था है। मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य से इस बात पे चर्चा की, पूछा उनसे कि भाई आखिर आप मंत्री हैं और मंत्री पद पे 5 साल आपने मंत्री पद को सुशोभित किया, ऐसे में आप जो है मंत्री पद छोड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि भाई आपके पास जब कुर्सी थी तब आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। तो सवाल यह है कि लोगों में विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है, यही मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अरविंद सर, आप जुड़े हमारे।